ओके सो नाउ दैट वी आर डन विद सिंगल कॉलर केसेस, ठीक है, अभी हम लोग मल्टी कॉलर की बात करते हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट वही रहेगा सेम जो अभी तक अपन करते हुए आए हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा ये अपना एक्सियल लोड लग रहा है डब्लू का, ठीक है, और अपन ने यहाँ पे बियरिंग के लिए कॉलर्स निकाल रखा है ऊपर में, ठीक है, तो ये अपना इधर लेट से इसको सस्टेन करता है एक्सेल लोड को, ठीक है, ये अपना बियरिंग टाइप का सपोर्ट बना रखा है अपन ने, जैसे वहाँ पे सिंगल था यहाँ पे हमने उसको सिंगल से निकाल के मल्टीपल कर दिया, बस ये बाकी कुछ चीज़ें और चेंज नहीं हुई है। ओके तो हाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस, ठीक है, तो अगर अपना पहले तो ये कि मल्टीपल कॉलर यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड यूजिंग ए मल्टीपल कॉलर, सो एज डब्ल्यू इंक्रीजिंग आवर रेडियस विल इंक्रीज, राइट, द रेडियस टू सस्टेन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड विल इंक्रीज, एंड इफ वी डोंट हैव सफिशियंट रेडियल स्पेस देन व्हाट वी डू, वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलर्स। ओके तो हम लोग नंबर ऑफ कॉलर्स बढ़ा देते हैं अगर हमारे वहाँ पे रेडियस का कंस्ट्रेंट है, तो रेडियल कंस्ट्रेंट को बेसिकली फेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कॉलर्स यूज कर रहे हैं। ओके तो हाउ आर वी गोइंग टू डू द एनालिसिस, तो इफ देर इज डब्ल्यू लोड एक्टिंग टोटली एंड देर आर एन नंबर ऑफ कॉलर्स, ठीक है, तो डब्ल्यू ऑन सिंगल कॉलर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू टोटल डिवाइडेड बाई एन, है ना, एन नंबर ऑफ कॉलर्स मेट इज गेटिंग डिवाइडेड इक्वली। ओके नाउ इफ आई यूज दिस इफ आई यूज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो पी जो भी होगा एक सिंगल कॉलर के अंदर, राइट, सिंगल कॉलर के अंदर पी वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑन दैट कॉलर, है ना, डिवाइडेड बाई टोटल उसका एरिया जो, यानी कि पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऑल ऑफ दीज कॉलर आर हैविंग सेम एरिया ओनली। ओके सो पी इंड्यूस्ड इज नथिंग बट डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, एंड हाउ वी आर गेटिंग दिस, दिस वी आर गेटिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ठीक है, इफ यू आर अज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी कॉलर देन वी विल गेट दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन फ्रॉम देयर, एंड फॉर अवर सेफ कंडीशन दिस शुड बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पी परमिसिबल, राइट, वट एवर पी दैट अवर बियरिंग कैन टेक। ओके सो डब्ल्यू मैक्सिमम इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम हेयर द डब्ल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन पाई मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू पी परमिसिबल, राइट, ये मेरा हो जाएगा उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी, और जितना लोड वो बियरिंग सस्टेन कर सकती है उसकी वैल्यू वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर। ओके एंड अभी अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें, मीन्स इफ वी एनालाइज इट इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क ऑल्सो, सो आई नो द टी एफ इज इक्वल टू एन टाइम्स टी एफ ऑफ ए सिंगल कॉलर, राइट, तो वट एवर इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज गेटिंग जनरेटेड ऑन ए सिंगल कॉलर वी विल मल्टीप्लाई दैट विद द टोटल नंबर ऑफ कॉलर्स, सो दैट इज गोइंग टू बी द नेट फ्रिक्शनल फोर्स और नेट फ्रिक्शनल टॉर्क ओवर देयर। ओके सो एन विल बी मल्टीप्लाइड विद टी एफ ऑफ सिंगल कॉलर, एंड फॉर सिंगल कॉलर आई कैन से इट इज गोइंग टू बी टू बाई थ्री म्यू टाइम्स डब्ल्यू ऑन दैट कॉलर, वट एवर डब्ल्यू इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलर इन टू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ओके ये अपने यहाँ पर निकल कर जाएगा, देन टी एफ विल बी इक्वल टू, देखो एन को डब्ल्यू कॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल कन्वर्ट इन टू नेट डब्ल्यू, यानी कि टू बाई थ्री म्यू इन टू डब्ल्यू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क का वैल्यू आ गया, विच इज सेम एज इफ देयर वर ए सिंगल कॉलर, तो अगर सिंगल कॉलर होती तो वहाँ पर भी नेट अपना जो फ्रिक्शनल टॉर्क आता वो इतना ही आता, यहाँ पर भी नेट फ्रिक्शनल टॉर्क इतना ही आ रहा है, बट जो W है ऑन इंडिविजुअल कॉलर दैट हैज रिड्यूस्ड, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारा उतना ही जनरेट होगा जितना पहले जनरेट हो रहा था, बट जो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है बिकॉज वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलर्स ओवर हियर। ओके सो वी कैन से दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ कॉलर्स, है ना, तो दैट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम हेयर, एंड पावर लॉस इफ आई नीड टू कैलकुलेट देन अगेन द सेम फॉर्मूला आई कैन यूज दैट वी हैव यूज्ड इन प्रीवियस एग्जांपल, पावर लॉस इज इक्वल टू फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू ओमेगा, तो व्हाटएवर इज द रेडियन पर सेकंड
and this rotational speed, we will multiply that with frictional torque to calculate the power loss. Okay, so if TF is same for single collar and multi collar, so if TF of single collar bearing is equal to TF of multi collar bearing, and if omega is same, then I can say that power loss, I can compare the power loss from here, that power loss of single collar bearing is to be equal to power loss from मल्टी कॉलर बियरिंग. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है कि पावर लॉस उतना ही होगा जितना अगर हम सिंगल कॉलर यूज़ करते तो होता, लेकिन वो कॉलर अभी फेल नहीं होगी क्योंकि हमने लोड को डिवाइड कर दिया. वैसे बस वही एक यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं आया. ओके, तो वेल आई होप यू कैन डू इट. राइट, ईजी कंसेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा टफ इसके अंदर कुछ है नहीं ऐसा. ठीक है, नाउ लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस हियर. ओके, इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कॉनिकल क्लच के बात करेंगे. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है दैट थ्रस्ट ऑफ ए प्रोपेलर इन मरीन इंजन इज टेकन बाय मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलर्स इनबिल्ट विद द शाफ्ट विच इज 30 सेंटीमीटर इन डाया, विच मीन्स वी आर गिवन द इंटरनल डायमीटर. जो शाफ्ट का जो एक्सटर्नल डायमीटर होगा अपना कॉलर का इंटरनल डायमीटर होगा. राइट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.05 एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज 0.3 मेगा पास्कल एंड 75 आरपीएम है, 200 किलो न्यूटन का लोड उसको लेके जाना है. Then we need to calculate the number of collars and the external diameter. ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला कि power loss अपना should not exceed 16 kilowatt. Okay, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर power loss का formula लगा देंगे. ठीक है, तो power loss अपना जो होता है that is equal to TF into omega. ठीक है, अब दोनों का मैं यहाँ पर formula लगा दूंगा. So power loss which is TF into omega would come out to be 2/3 mu into W आर नोट क्यू माइनस आर आई क्यू डिवाइडेड बाई आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा. राइट, दैट इज हैज़ टू बी इक्वल टू माई पावर लॉस. सो दिस वैल्यू शुड नॉट एक्सीड अवर 16,000 किलोवाट, एंड दिस हैज टू लेस देन इक्वल टू 16×10^3 वॉट. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πN/60 एंड 2π × 75/60. तो अगर मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर डाल देता हूँ देन आई विल गेट आर नोट क्यूब माइनस कितना था, आर आई की वैल्यू कितना था, 15 सेंटीमीटर ना, तो 15 सेंटीमीटर को 0.15 लिखा जा सकता है, 0.15³/ आर नोट स्क्वायर माइनस 0.15² एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 16×10^3, ये तो ये हो गया, × 3×60/2π×75. ठीक है, ये अपना हो गया एंड इज मल्टीप्लाई विद 2 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी 0.05 एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 200 किलो न्यूटन. राइट, नाउ ऑल दिस वैल्यू इफ आई पुट हेयर एंड इफ आई नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. ठीक है, अगर इसको यहाँ पे फर्दर एक सॉल्यूशन इसका किया जाएगा तो आर नॉट वैल्यू विल कम आउट टू बी 24.92 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको एक बार ना क्रॉस चेक कर लेना इसको कि आर नॉट की वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं आ रही अपनी. ठीक है, तो वंस वी हैव कैलकुलेटेड द आर नॉट वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर, द एक्सटर्नल डायमीटर वुड बी 49.24, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर नॉट. ठीक है, सो नाउ आई हैव कैलकुलेटेड द डायमीटर, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलर्स आई विल गो विद द प्रेशर इंटेंसिटी जो अपने यहाँ पे गिवन थी. ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू W/(n)πr²-r². राइट, ये होगा अपना एन डब्ल्यू की वैल्यू 200 किलो न्यूटन. राइट, डिवाइडेड बाई एन अपने को कैलकुलेट करना है × π 0.3114 आर नोट स्क्वायर, तो और ये दोनों की वैल्यू अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका है √r². राइट, एंड दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0.3 MPa, तो 0.3 MPa. जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 5.3. ठीक है, n की वैल्यू 5.3 आएगी, बट 5.3 तो हो नहीं सकता, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यू की तरफ राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 6 ओवर हियर. ठीक है, n की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइनली 6 आ जाएगी, दैट इज द नंबर ऑफ कॉलर्स दैट वी नीड टू यूज. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे अपने को यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करनी है. तो डिजाइन ए मल्टी कॉलर बियरिंग टू टेक द लोड ऑफ 16.3 टन्स. ठीक है, उसके ऊपर मैं 16.3 टन्स का अपने को लोड कैरी करवाना है एंड प्रेशर इंटेंसिटी कैन नॉट एक्सीड 0.7 MPa. जो मैक्सिमम प्रेशर है
वो अपना 0.7 मेगापास्कल हो सकता है. ओके, तो पी मैक्स इज इक्वल टू 0.7 मेगापास्कल एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 16.13 टन. नाउ द आउटर डायमीटर ऑफ द कॉलर इज 42 सेंटीमीटर, है ना. डी नॉट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है. डी आई इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, सबसे पहले आर नॉट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड आर आई इज इक्वल टू 16 या फिर 0.16 भी उसको लिखा जा सकता है ना. ये अपने ना सेफ सीयर स्ट्रेस ऑफ द कॉलर इज 25 मेगापास्कल. जो सेफ सीयर स्ट्रेस यानी कि टाउ परमिसिबल जो है अपना यहाँ पे, दैट इज 25 मेगापास्कल है. तो अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलर्स बेसिकली कैलकुलेट करना है कि कितना होगा. ठीक है, तो टू थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट ओवर हियर. वन इज द नंबर ऑफ कॉलर्स एंड अनदर इज द थिकनेस ऑफ कॉलर. ठीक है, एक कॉलर की कितनी थिकनेस होगी, ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई नीड टू कैलकुलेट द डब्लू. ठीक है, तो डब्लू जो है 16.3 टन्स है. तो टन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन, राइट. तो 16.3 × 10⁻³ kg एंड दैट इज इक्वल टू 16.3 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 9.81 न्यूटन. ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो डब्ल्यू का वैल्यू है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ आई एम गिवन कि जो प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज 0.7 मेगापास्कल. ठीक है, 0.7 मेगापास्कल से ज़्यादा नीचे आनी चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म प्रेशर रेज्यूम करता हूँ तो पी की जो वैल्यू होती है दैट हैज़ टू बी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, है ना. इसने मेंशन नहीं किया यहाँ पे कहीं पे कि यूनिफॉर्म वी आर थ्योरी यूज़ करनी है कि प्रेशर थ्योरी यूज़ करनी है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. ठीक है, तो उसके केस में अब यहाँ पे अगर मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ तो सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 16.3 × 10⁻³ × 9.81. ठीक है, डिवाइडेड बाई एन अपने को कैलकुलेट करना है इंटू पाई इंटू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर नॉट आर स्क्वायर यानी कि 0.21 स्क्वायर माइनस 0.16 स्क्वायर. ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, राइट साइड हो गया. और लेफ्ट साइड की जो इसने वैल्यू दे रखी है लिमिटिंग वैल्यूज 0.7 मेगापास्कल. ओके, तो आई विल से 0.7 × 10⁻⁶. ठीक है, तो आई कैन कैलकुलेट एन हेयर. ओके, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एन विल कम आउट टू बी 3.93. ठीक, इसका मतलब आई नीड टू यूज 4 नंबर ऑफ कॉलर्स हेयर. ठीक है, ये हमेशा राउंड ऑफ करके लिखना है, राउंड ऑफ नेक्स्ट डिजिट पे ही करना है, इसको प्रीवियस डिजिट पे भी नहीं करना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलर्स आई नीड टू यूज 4. तो वेट पर कॉलर यानी कि लोड पर कॉलर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ द कॉलर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे डब्ल्यू कैलकुलेट किया था डिवाइडेड बाई 4 अपना कॉलर का वो आ जाएगा इंडिविजुअल लोड. ठीक है, यहाँ से नाउ आई कैन कैलकुलेट द टाउ. सीयर स्ट्रेस वैल्यू फॉर इंडिविजुअल कॉलर वुड बी डब्ल्यू कॉलर जितना वो ले रहा होगा डिवाइडेड बाई हाउ मच विल दैट बी पाई इंटू आर आई इंटू टी पाई आर टी, राइट, क्योंकि पाई आर टी इज द सीयर एरिया, जो एरिया अपना सीयर ऑफ होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इनके सबकी वैल्यू डाल देता हूँ यानी कि 16.3 × 10⁻³ 9.81 डिवाइडेड बाई 4, ये तो हमारा डब्ल्यू कॉलर इंटू पाई इंटू आर आई, आर आई की 0.16 है ना, इंटू टी आई नीड टू कैलकुलेट. एंड दिस वैल्यू, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 25 मेगापास्कल ना. तो 25 × 10⁻⁶. तो नाउ आई कैन कैलकुलेट टी वैल्यू विच विल कम आउट टू बी 1.59 mm. ठीक है, अगेन वैल्यू ज़रा क्रॉस चेक कर लेना, कंसेप्ट अपन यही यूज़ करें. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलर्स और द थिकनेस ऑफ सीयर एयर, जो कंसेप्ट अपने को इस तरीके से यूज़ करना है यहाँ पे. फाइन, ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉनिकल कॉलर बियरिंग. तो कॉनिकल कॉलर बियरिंग में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए स्ट्रेट कॉलर वी आर हैविंग एन इंक्लाइंड कॉलर. ठीक है, इंक्लाइंड कॉलर यहाँ पे विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा. तो ये जो अल्फा है वी कैन कॉल इट एज सेमी कॉन एंगल, मतलब जो अपना टोटल कॉन एंगल है दैट विल बी 2 अल्फा एंड उसका जो हाफ है दैट विल बी सेमी कॉन एंगल. नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर दिस वन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक द एलिमेंट हियर. ठीक है, इस कॉलर के ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया. ठीक है, जैसा अपन ने पिछली बार लिया था स्ट्रेट कॉलर के लिए. नाउ ऑन दिस एलिमेंट आई एम गोइंग टू एनालाइज द फोर्सेज.
ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे कॉलर का एलिमेंट। ठीक है, नाउ ओवर दिस एलिमेंट जो हमने एक छोटे एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, एक डी डब्ल्यू लगेगा, है ना, डब्ल्यू का एक एलिमेंट लगेगा इधर, डी डब्ल्यू विल बी देयर। ओके, और इसका जो कोण एंगल है दैट इज अल्फा, राइट, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट डी डब्ल्यू बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो हमें इसके नॉर्मल जो लोड लग रहा होगा उसकी वैल्यू चाहिए, है ना, यानी कि वी वॉन्ट टू नो द नॉर्मल लोड हियर। तो इसका जो भी आर एन लग रहा होगा, आर एन मीन्स द नॉर्मल लोड, वट एवर नॉर्मल लोड इज देयर, वी नीड टू कैलकुलेट दैट। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना हो गया, अभी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाला अल्फा है, तो दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस अल्फा। सो माई फ्रिक्शन फोर्स इन ऑन दिस एलिमेंट इज टू बी म्यू आर एन, राइट, म्यू आर एन होगा, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर एन। तो आर एन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आर एन और डी डब्ल्यू के बीच में जो रिलेशन है दैट इज आर एन एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, राइट। बेसिकली हम लोग क्या करें, आर एन कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, है ना, तो एक ही बात हो, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो मैं डी डब्ल्यू, आर एन को मैं डी डब्ल्यू के टर्म्स में लिख दूंगा, तो आई कैन से जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इन टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, राइट, ये लग रहा है। तो बाकी क्वेश्चन अपनी सेम रहेगी, तो जहाँ जहाँ भी लास्ट टाइम अपना डब्ल्यू आ रहा था उसके जगह भी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा आ जाएगा। और आई कैन से कि जो मेरा इक्विवेलेंट यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया, अल्फा म्यू की जगह म्यू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा हो गया, है ना, क्योंकि लोड तो उतना ही है, मतलब डी डब्ल्यू को तो हम लोग नहीं चेंज कर रहे, तो अपना जो एक्चुअल मतलब जो चेंज हो रहा है, वी कैन से कि इक्विवेलेंट जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गोइंग टू बी म्यू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। तो हमारी जितनी भी पुरानी इक्वेशंस थी, सिंपल इक्वेशंस जो थी, उसके अंदर वी कैन रिप्लेस दैट विद साइन अल्फा, मतलब साइन अल्फा से उसको डिवाइड कर देंगे। सो आई कैन से दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इन केस ऑफ कॉनिकल कोलर बियरिंग विल बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फा फ्रिक्शनल टॉर्क इन केस ऑफ ए सिंपल कोलर बियरिंग या फिर फ्लैट कोलर बियरिंग। ठीक है, ये अपना इनके बीच में एक रिलेशन बन जाएगा दोनों का, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कोन एंगल ऑन प्रेशर इंड्यूस्ड और द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बियरिंग, बट फ्रिक्शनल टॉर्क और द पावर लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन एंगल हियर। ठीक है, तो कितना यहाँ पे प्रेशर वो ले सकता है या फिर कितना उसके ऊपर लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बेसिकली नहीं इम्प्रूव हो रही है, द मेन थिंग दैट इज चेंजिंग हियर इज फ्रिक्शनल टॉर्क। फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, यानी कि सेम आई कोन एंगल आ गया। तो अगर मैं इसको देखूँ कि फ्लैट के लिए कैसे करेंगे, यहाँ से अगर मैं फ्लैट के लिए निकालूंगा तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर माई फ्लैट कॉनिकल बियरिंग, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री डालते साइन अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वी विल गेट बैक दोज फार्मूलाज ओनली। तो फॉर कोलर बियरिंग इफ अल्फा इंक्रीजेज द पावर लॉस विल रिड्यूस, क्योंकि अल्फा साइन अल्फा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अपना जो पावर लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर हमारा अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो। ठीक है, एंड कॉलर्स के लिए हम लोग यूजुअली 2 अल्फा की वैल्यू 2 से 120 डिग्री से लेके 160 डिग्री तक रखते हैं। ठीक है, फॉर कॉलर्स वी यूजुअली टेक 2 अल्फा रेंजिंग फ्रॉम 120 डिग्री टू 160 डिग्रीज। ठीक है, दैट इज व्हाट वी बेसिकली डू हेयर। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको कॉलर के केस में देखेंगे एंड क्लच के केस में, दोनों के केस में अगर हम इसको एनालाइज कर दें, तो फॉर कॉलर्स इफ अल्फा इंक्रीजेस तो उसका जो फ्रिक्शनल टॉर्क है दैट विल रिड्यूस, राइट, एंड दैट इज अवर डिजायरेबल प्रॉपर्टी। तो अपने को क्या करना है, अल्फा को हाई रखना है, बट एट द सेम टाइम इन केस ऑफ क्लचेज व्हेन अल्फा रिड्यूसेज फ्रिक्शनल टॉर्क विल इंक्रीज। ठीक है, तो दैट इज अवर डिजायरेबल प्रॉपर्टी। तो हम लोगों को क्लच के अंदर, क्योंकि क्लच का काम क्या है, ट्रांसफर करना है पावर को, तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए, और कॉलर के अंदर क्या है, बियर करने का है, तो वहाँ पे कम फ्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, दैट इज वाई इन केस ऑफ कॉलर वी यूज हाई अल्फा। हाई अल्फा यानी कि जैसा अपने आप ऊपर लिखा ना, 2 अल्फा रेंजिंग फ्रॉम 120 डिग्री टू 160 डिग्रीज, एंड इन केस ऑफ क्लचेज वी यूज स्मॉल अल्फा। स्मॉल अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे वी वुड बी यूजिंग रफली फ्रॉम 7 साढ़े सात डिग्री से लेके
15 डिग्रीज तक है ना, 7.5 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज, ओके। ये एक यूजुअल कन्वेंशन होता है अपना क्लचेज का एंड इसका कॉलर का, ठीक है। तो वेल इसके बारे में इतना ही है कॉनिकल वगैरह के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एंड ओके, तो ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। टू अवॉइड द सेल्फ इंगेजमेंट ऑफ क्लच इन यूनिफॉर्म प्रेशर फॉर फ्लैट पिवट बियरिंग, ठीक है, हम लोग फ्लैट पिवट बियरिंग की बात कर रहे हैं एंड यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात कर रहे हैं। जो बियरिंग के रेडियस है, दैट इज आर द फ्रिक्शन फोर्स इज अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग एट वाटर रेडियस, ठीक है। तो किस रेडियस पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी एक्टिंग, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आई नो दैट द टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2/3 म्यू डब्ल्यू आर इन केस ऑफ ए फ्लैट पिवट, राइट, विद रेडियस आर। इफ आई अज्यूम दैट माई फ्रिक्शन फोर्स, ओके, द फ्रिक्शन फोर्स वुड बी म्यू इनटू डब्ल्यू इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ आर एफ, लेट से, तो फ्रिक्शनल टॉर्क वुड हैव बीन म्यू इनटू डब्ल्यू इनटू आर एफ, राइट, दैट वुड हैव बीन माई फ्रिक्शनल टॉर्क। नाउ दिस फ्रिक्शनल टॉर्क दैट आई एम अज्यूमिंग शुड नॉट एक्सीड द डिजायर्ड वैल्यू, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंगेजमेंट हो जाएगा। सेल्फ इंगेजमेंट विल हैपन व्हेन द फ्रिक्शनल टॉर्क इज मोर, है ना। तो व्हाट आई विल से दैट टी एफ वन हैज टू बी लेस देन इक्वल टू टी एफ, देन इट विल बी द सेफ फॉर नॉट एंगेजिंग, है ना, टू अवॉइड द सेल्फ एंगेजमेंट। तो म्यू डब्ल्यू आर एफ हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 2/3 म्यू डब्ल्यू आर, राइट। तो आर एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर एफ इज इक्वल टू 2/3 आर। तो दैट इज माई सेफ रेडियस एट विच आई कैन अज्यूम दैट माई फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग सच दैट देर इज नो सेल्फ एंगेजमेंट इन द पिवट, से देर इज नो सेल्फ एंगेजमेंट इन द क्लच, ओके। सो वेल दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द स्लीव, अपना कॉलर बियरिंग्स, है ना, कॉलर बियरिंग एंड पिवट बियरिंग्स के बारे में इतना ही है। एंड इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेडियल बियरिंग, है ना, जो अपना जर्नल बियरिंग है या फिर रेडियल बियरिंग जिनको बोलते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड दिस पार्ट यू हैव कवर्ड क्लचेज एज वेल एज कॉलर बियरिंग, है ना, क्लचेज एंड कॉलर बियरिंग, बोथ थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड हियर, क्योंकि दोनों का ना कंसेप्ट सेम है, ओनली द डिजायर्ड आउटपुट इज डिफरेंट। तो जो दोनों की डिजाइनिंग होती है दैट इज सेम ओनली, ठीक है। तो क्लचेज की बात करो चाहे कॉलर बियरिंग की बात करो, दैट सेम ओनली। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।